गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मेथड्स. इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्टेंट है वो जो इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग, तो क्या फॉर्मेशन आती है उनकी. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इसके बारे में रेट लॉ के बारे में. ठीक है, तो बेटे जब हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं ना तो छोटी सी बात आती है हमारे पास कि जो रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना वो बेस्ट मेथड है किसको डिस्कस करने के लिए, रिएक्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए. लेकिन जो आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था वो एग्जैक्ट वैल्यू डिस्कस नहीं करता रिएक्टेंट के लिए. तो हम देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और रेट लॉ को भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो देखते हैं हम लोग फटाफट अपना. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो बेटा हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेता हूं पहले, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर. जो इंटीग्रेटेड या हम डिस्कस करेंगे बेटा, और जो हमारा रेट लॉ है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, क्या डिस्कस किया होगा बेटा आप लोगों ने, जो रेट होता है किसके इक्वल होता है, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी. मतलब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नॉट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट, बट इंटीग्रेटेड रेट लो, gives exact value of reactant. क्लियर मेरी बात यहां पे, ये क्या समझ में आई आपको. अब बेटा हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है. किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा. तो बेटा आपने यहां पे जो है रेट ना, वेरी गुड, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस डी आर बाय डी टी. क्लियर, और क्या हो जाएगा रेट यहां पे, माइनस के आर हो जाएगा. क्लियर मेरी बात यहां पे बेटा. यहां पर डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर. तो हमारे जो इस साल सिलेबस में है ना वो दो ही है हमारे पास, कौन कौन से, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर. तो हम पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए होगा, हमारा जीरो ऑर्डर के लिए. बेटा जीरो ऑर्डर के लिए क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, कि रिएक्टेंट है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर. रेट दोनों इक्वल है, प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी. यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो. क्लियर मेरी बात. और जिसकी पावर जीरो होती है उसके लिए क्या जाती है, वन. तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, के हो जाएगा. क्लियर मेरी बात यहां पे. इसको मैं इधर लिखा सकता हूं, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहां पे, माइनस डी आर बाय डी आर इज इक्वल टू के डी टी. मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना. फर्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. क्या आ जाएगा बताओ, माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी.
क्लियर मेरी बात यहाँ पे। जब हम इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करते हैं, जैसे जो मैथमेटिक्स के अंदर सी यूज करते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आई यूज कर लेते हैं, सी यूज कर लेते हैं, क्यू यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करेंगे आई के बारे में, आई डिस्कस करते हैं अपने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के लिए। क्या दे रहा है आपको बताओ, माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी, के टी प्लस में आई। क्लियर मेरी बात यहां तक, ठीक है बेटा। अगर इफ टाइम कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो रिएक्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा तो आपके पास जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर नॉट के इक्वल आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तब यहां पर आई क्या बता रहा हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और आर नॉट क्या बेटा यहां पे, आर नॉट क्या है यहां पे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज जीरो एट जीरो टाइम इंटरवल। क्लियर मेरी बात यहां पे, ये डिस्कस किया जाएगा। अब बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिल जाएगा बेटा बताओ मैं, माइनस आर इज इक्वल्स टू के इंटू में जीरो, और प्लस में क्या आएगा बताओ, आई। तो माइनस आर इज इक्वल्स टू बेटा यहां पर देखो आर क्या क्या पुट करेंगे हम लोग, आर नॉट पुट करेंगे, आर नॉट, तो आर नॉट इज इक्वल्स टू क्या है, के इंटू में जीरो जीरो, क्या आ गया बेटा यहां पे, आई आ गया। इन्हें मेरे बाद यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, कर दो पुट अब क्या आएगा बताओ, माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी माइनस में आर नॉट। क्लियर मेरी बात, यहां पे आर नॉट को इधर लेकर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का हो जाएगा आर नॉट, तो प्लस आर नॉट माइनस में आर इज इक्वल्स टू के टी, और टी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, आर नॉट माइनस में आर अपॉन में के। क्लियर मेरी बात यहां पे, हर एक नोट डाउन कर लेते हैं, आर क्या, आर नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, आर क्या होता है बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम इंटरवल, के क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट, और टी क्या होगा बेटा, टाइम होगा। क्लियर मेरी बात यहां पे। अब बेटा हम देखते हैं यहां पे, अगर मैं क्या मान लेता हूं, आर जो होता है ना आपका आर नोट, उसको मान लेता हूं ए, ए क्या होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, और आर क्या मान लेता हूं मैं यहां पे, ए माइनस में एक्स, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर मेरी बात यहां पे, ये जो वन था उसको हम क्या मान लेते हैं, टू मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखते हैं यहां पे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, जब वैल्यू टू में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बताओ, ए माइनस में ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, और ए माइनस में ए प्लस में एक्स इज इक्वल्स टू के टी, ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, के टी इज इक्वल्स टू एक्स, तो के टी क्या होता है बताओ, के टी इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू द
experience. Is equal to the amount of liquid. Reactant dissociate. ये डिस्कस करते हैं हम लोग इसके अंदर. यस तुम्हारा KT is equal to X. लेने के बाद यहां पे फिर हम डिस्कस करते हैं यहां पे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में. जब क्वेश्चन बनता है ना आपके पास तो पूरी पूरी वैल्यू डिस्कस की जाएंगे आपकी कि जीरो ड्यूरेशन क्या होता है. पहले उसको ड्राइव करोगे फिर उसका हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस ड्राइव करोगे पूरा पर ड्राइव करना होता है. जब तीन नंबर मिलते हैं आपको थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे टॉपिक्स. हर एक टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है तो देखते हैं आपके बेटा हम लोग एक बार. इट इज अ टाइम when concentration of the reactant is reduced to half. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग. इक्वेशन डिस्कस करते हैं यहां पे क्या ये लिख लेते हैं. जीरो ड्यूरेशन डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इक्वेशन डिस्कस करेंगे. क्या इक्वेशन थी हमारे पास आर नॉट माइनस में आर इज इक्वल टू के टी. क्लियर मेरी बात यहां पे. ठीक है अगर टी क्या हो जाए आपका टी हाफ हो जाए. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है तो टी हाफ हो गया आपका. तो बेटा जब रिएक्टेंट होगा ना वो भी क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर हाफ के अंदर हो जाएगा. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिल जाएगा हमें बताओ. आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट बाय टू इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस के टी हाफ. क्लियर मेरी बात. यहां पे एलसीएम ले लो दो आर नॉट टू माइनस में आर नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ और क्या आ जाएगा यहां पे आर नॉट बाय टू इज इक्वल टू के टी हाफ. इसको के डालेंगे अभी आ जाएगा नीचे के तब तक वैल्यू आ गई बेटा टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. क्लियर मेरी बात यहां पे. फिर हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड जीरो ऑर्डर के लिए ही अपने ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये बड़ा ड्रॉबैक भी इसका. ड्रॉबैक क्या है सिर्फ एक टाइप के लिए डिस्कस करेगा वन काइंड ऑफ ऑर्डर के लिए डिस्कस करेगा हर एक के लिए डिस्कस नहीं करता सेम ग्राफ. ठीक है दूसरी बात ये जो है हर एक के लिए अलग अलग डिस्कस होता है. मतलब जीरो ऑर्डर के लिए अलग वैल्यू शो करेगा फर्स्ट के लिए अलग और सेकंड के लिए अलग शो करता है. ठीक है तो देखते हैं आप बेटा फॉर वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट के लिए डिस्कस करेगा ये. ठीक है और जीरो ऑर्डर के लिए क्या डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग. रेट क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है. रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. ग्राफ में क्या होता है बेटा ये ग्राफ ले लेते हैं एक में स्टेट जाता है ये रेट होता है और ये जो होता है आपका रिएक्टेंट होता है. क्या शो करता है इन दिस द ग्राफ इज शो स्ट्रेट लाइन. मतलब ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है स्ट्रेट में चलता रहता है कोई चेंज नहीं होता. ठीक है ये था आपका जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ. दोबारा देख लेते हैं फटाफट एक बार. इंटीग्रेटेड रेट में क्या डिस्कस किया जाए बेटा आपका कि दोनों जो रेट होते हैं वो
ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए है और ये काइनेटिक्स के लिए है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रेट लॉ के लिए है। तो जीरो ऑर्डर क्या डिस्कस करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, जीरो की पावर होगी इसकी, तो जीरो पुट कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी हो गया। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जब इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो क्या आ गया हमारे पास, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं आई। अगर टाइम भी क्या हो जाए जीरो, तो रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, इनिशियल रिएक्टेंट डिस्कस करेंगे, आर नॉट डिस्कस करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो आर नॉट इज इक्वल टू के इन टू में जीरो प्लस में आई, तो आर नॉट इज इक्वल टू आई आ जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो आर नॉट माइनस में आर इज इक्वल टू के टी आ गया, और टी क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन में के। आर नॉट क्या होता है आपका, इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम जीरो, आर क्या होता है आपका, फाइनल कंसेंट्रेशन एट टाइम इंटरवल, के क्या होता है आपका, रेट कॉन्स्टेंट, और टी क्या होता है, टाइम। टोटल हम क्या मान लेते हैं, आर नॉट को ए मान लेते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन, और आर को मान लेते हैं ए माइनस एक्स फाइनल कंसेंट्रेशन। जब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो ए माइनस में ए माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू के टी, और ए का ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के टी की स्क्वायर हो जाएगा एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात यहां तक। फिर हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाता है, जो वैल्यू आपकी टी हाफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी आधी हो जाती है, आधी का मतलब टी हाफ, और आर रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आर नॉट माइनस में कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन में टू इक्वल टू के टी हाफ, और टू आर नॉट एलसीएम ले लेंगे हम लोग, आर नॉट अपॉन में टू के इज इक्वल टू टी हाफ आ जाता है, ग्राफिकल मेथड में स्ट्रेट लाइन में शो करता है। तो बेटा ये था आपका किसके बारे में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना कर लो, एक बार आगे कल करते हैं। थैंक यू।